सुप्रीम खान साहब एक मिनट, अभी आपने इलेक्शन कमिश्नर की बात की, इलेक्शन कमीशन पे भी आप लोगों को तहफुजात हैं, वो भी डिले चाह रहे हैं हुकूमत वाले, जारी बात है 13 जमातें जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक पेज पर आ गई थी, वैसे एक दूसरे की शक्लें देखने को पसंद तरजीह नहीं दे बात पसंद ही नहीं करते थे, किसी ने किसी का पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, किसी ने किसी को कहा कि सड़कों पर घसीटना था, आज इमरान खान साहब की बुक्स में सारे इकट्ठे हो गए, मोहब्बतें जाग उठी, तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से वाकई आप लोगों का मुतालबा मान लेंगे? फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आप लोगों को तहफुजात है वो कैसे दूर होंगे? और आपके हवाले से एक सवाल कि आप कस्टोडियन है हाउस के, तो एक ये एक समझा जाता है जो कि है भी कि न्यूट्रल होता है आपका किरदार, लेकिन जहां आपको गलत लगेगा कि गलत हो रहा है वहां पे फिर आवाज उठाना भी जारी बात है आपका राइट है जो कि आप उठा रहे हैं। जी मैं उस राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि मैं न्यूट्रल हूं, लेकिन देखें एक हक और सच की बात भी तो है ना, कल तक तो ये लाहौर के और लड़काना के खंभों के साथ एक दूसरे को बांधते थे, और फिर वन फाइन मॉर्निंग मुझे पता चला कि जो पीपल्स पार्टी के हेड हैं वो लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चला के उनको जाती उम्रा लेके आते हैं और वहाँ उनको कहते हैं कि मैंने अपने हाथों के साथ आपके लिए स्वीट डिशेस बनाई हैं, मैं आपका खानसामा बन रहा हूँ। खानसामा बनना बुराई नहीं है, बट मोहब्बत का वो लेवल देखें कि मैं अपने हाथों से आपको बना के स्वीट डिशेस और ये चीज़ें खिला रहा हूँ। और अब ये इन अ वे अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट तो हमारे चेयरमैन को नहीं जाता कि हमारे चेयरमैन के रोल की वजह से ये इकट्ठे हो गए, तो ये क्रेडिट तो इमरान खान को जाना चाहिए। और मुझे एक बात याद है खान साहब, आप भी अग्री करेंगे, हम बहुत से लोगों से बात करते हैं, जारी बात है सहाफियों से लोग पूछते हैं अंदर की कोई खबर हो कोई बात हो बताइएगा, तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हम शायद इमरान खान से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे कि हम उनके वोटर बन गए, हम इन जो जिनको इतनी बार आजमाया है इतनी दफा 3-3 बारियां जिन्होंने ली, हम उनसे इतना बुग्ज रखना शुरू हो गए कि हम आए उनसे जो बुग्ज है वो इमरान खान की मोहब्बत जो है उसका बाइस बना। आपका लास्ट कॉमेंट। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, शायद इन 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 ये जो बुग्ज है ना इनसे इतना ना होता जब ये गवर्नमेंट रिजीम चेंज, जैसे तैसे रिजीम चेंज हो गई, चले वो साइफर हुआ वो अमेरिकन, मैं उस डेप्थ में मैं नहीं जाता, लेकिन आप एक बात तो देखें ना, आपने 13 जमातों ने मिल के इमरान खान के आखिरी फिक्रे याद करें और वो दिल को चीरने वाले फिक्रे हैं कि क्या कोई ऐसा बंदा रह गया कि जिसने मेरी मुखालफत ना की हो, सारा पाकिस्तान ही मुखालिफ हो गया, हर तबके ही मुखालिफ हो गया, हर इदारा ही मुखालिफ, ये दिल को चीरने वाली बात है। और इसके बाद इनकी हकूमत आ गई, इनकी हकूमत आने के बाद अगर ये करते ना कि कोई नहीं, इसके बाद डॉक्टर साहबा ये करते कि ये आवाम को कोई रिलीफ देते, इन्होंने आते साथ नैब का चेयरमैन, नैब के कानून, नैब में तोड़ फोड़, फलाना बेगुनाह, नैब वाले रेफरेंसेस चले गए, जो कल तक अदालतों में केस चल रहे थे आज उनका नामोनिशान खत्म हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।